राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर हम देते हैं आपको आपके फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। वेल, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है महादेव के साथ, जो कि श्री कृष्ण से मन ही मन बात करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो गौरी को आपके पास हल निकालने के लिए भेजा था, लेकिन आपने तो हल चल ही मचा दी। कृष्ण भी यहाँ अपने आराध्य को पलट का जवाब देते हुए कहते हैं कि हलचल तो आपके जीवन में गणेश मचाएंगे, जब आएंगे तब बड़ा ही आनंद आएगा। उधर दिखाया जाएगा कि सभी लोग नंदी के साथ में महादेव के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हम सावन पूजा की तैयारी कर रहे थे, अचानक से सृष्टि में कोई हलचल हुई है, क्या कोई शुभ अवसर आया है प्रभु? महादेव कहते हैं कि हाँ, शुभ अवसर तो है, लेकिन हम सब बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। तभी वहाँ से जो देवी गौरी होती हैं, वो नंदी और सारे जो प्रेतगण होते हैं उनको आवाज लगाती हैं, जिसे सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि माता को हमारी आवश्यकता है, वो आवाज़ लगा रही हैं प्रभु, लेकिन हमारा तो कार्य शेष है। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि आप सभी अभी उनके पास जाइए, लगता है उन्हें आपकी मुझसे ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे ही सब लोग कैलाश पर पहुंचते हैं, अचानक से उन सब के ऊपर बर्फबारी होने लगती है और कोई बर्फ के गोले उन्हें ज़ोर ज़ोर से मारता है और हंसता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और नंदी इधर उधर देखते हुए कहते हैं कि कौन है जिसने महादेव के गण प्रेतों पर इस तरह से प्रहार करने की दुस्साहस किया है, आखिर कौन है, सामने आओ। जैसे जैसे पता चलता है कि ये उस दिशा से आ रहा है, जैसे ही नंदी देखते हैं वहाँ से बाल गणेश निकलते हैं और बहुत नटखटपने से उन्हें परेशान करते हैं, जिसे देखकर नंदी हंसते हैं और कहते हैं कि अरे बाल गणेश, अगर आप हम लोगों को परेशान नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। और यहाँ पर बाल गणेश उनको इस तरह सताते हैं कि नंदी खुश की जगह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर गौरी माँ आती हैं और वो अपने पुत्र को गले लगाते हुए कहती हैं, अरे अरे, एक नन्हे से बालक के पास तुम सभी लोग इस तरह से शैतानी कर रहे हो, मेरा बच्चा तो थक जाएगा, आखिर तुम लोग कैसे कर रहे हो। नंदी कहते हैं कि हमें बहुत खुशी है कि बाल गणेश यहाँ पर हमारे पास आए हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर वो पुनः यहाँ क्यों आए हैं। गौरी माँ यहाँ कंफ्यूज हो जाती हैं और सोचती हैं कि कहीं गणेश को पता ना चल जाए कि वो दोबारा से बालपन से अवतरित हुए हैं। गणेश यहाँ पर कहते हैं कि मैं वापस आया हूँ, मैं तो गया ही नहीं था, बल्कि मैं क्यों जाऊँगा अपने कैलाश को छोड़कर। लगता है जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी बुद्धि कम हो रही है। गौरी यहाँ पर गणेश जी से कहती हैं कि पुत्र चलो, तुम मेरे साथ चलो। वो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें भूख लगी है, और तभी गणेश जी बहुत ज़ोर से सर हिलाकर कहते हैं, हाँ माता, मेरे उदर में बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तभी माँ गौरी सबको आदेश देती हैं और कहती हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना, लेकिन भोजन बनाने के पश्चात ही करना। जाओ, आप सब लोग मेरे गणेश के लिए स्वादिष्ट से भोजन की तैयारी करो। और ये कहकर वो चली जाती हैं। यहाँ पर गणेश जी जाते जाते उन सबको चढ़ाते हैं, जिसे देखकर नंदी और सारे जो प्रेतगण होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उनकी लीला देखकर। यहाँ पर कृष्ण बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं सब कुछ देखकर, और वो कहते हैं कि सत्य है, अब आपको पता चलेगा महादेव के बाल गणेश की लीलाओं से समस्त कैलाश कैसे गूंज उठेगा, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, अब आप आगे आगे देखिए होता है क्या। वहाँ पर दिखाया जाएगा कि गौरी गणेश जी को कैलाश में लेकर के पहुँच जाएंगी और उनसे कहेंगी कि मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करने जा रही हूँ, लेकिन वचन दो तुम मेरे पीछे से कोई शैतानी नहीं करोगे। गणेश जी कहते हैं कि हाँ हाँ माता, आप जाइए, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे आपको परेशानी हो। गणेश जी को यहाँ पर माँ पार्वती ये भी प्रॉमिस दे करके जाती हैं कि तुम अपने पिताश्री को भी तंग नहीं करोगे। गणेश जी सर हिलाते हैं, उन्हें जाने के लिए कहते हैं। जैसे ही माँ पार्वती जाती हैं, गणेश जी इधर उधर घूमते हैं और देखते देखते वो गुफा में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर महादेव ध्यान में लीन होते हैं और वहाँ उनका त्रिशूल रखा होता है। जैसे ही गणेश जी त्रिशूल देखते हैं, वो देख कर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वाह कितना सुंदर खिलौना है, मुझे ये चाहिए। जैसे ही वो महादेव के त्रिशूल को छूने वाले होते हैं, पीछे से नंदी आ जाते हैं और कहते हैं कि रुक जाइए बाल गणेश, ये खिलौना नहीं है बल्कि ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप ये नहीं ले सकते। गणेश इज्जत करने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो मैं लूँगा, ये मेरा ही खिलौना है।
यहाँ पर जो शिव जी होते हैं वो थोड़े से अपसेट होते हैं, लेकिन वो ध्यान में ही लीन होते हैं। तभी वहाँ गौरी माँ आ जाती हैं और कहती हैं कि पुत्र ये मेरी बात सुनो, ये कोई खिलौना नहीं है, ये अस्त्र है तुम्हारे पिताश्री का, इसीलिए तुम्हें ये नहीं लेना है। लेकिन बाल गोपाल की तरह हमेशा नटखटपन करने वाले गणेश जी भी ऐसे ही करते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा खिलौना है, अब पिताश्री का नहीं। माता पार्वती महादेव को गुस्से में आता देख कहती हैं कि अच्छा सुनो, तुम्हें भूख लगी थी ना, मैंने तुम्हारे लिए महाभोज का प्रबंध किया है, आओ चलो चलकर खा लो। यहाँ पर गणेश जी का मान डावट करते हुए कहते हैं गणेश जी कि ठीक है माँ, एक ही शर्त पर, अगर आप मेरी मोदक बनाने वाली सभी प्रक्रिया पूरी कर चुकी तो आपको एक और लड्डू यानी कि नारियल के मोदक बनाना पड़ेगा, तभी मैं ये त्रिशूल रखूँगा। गौरी माँ कहती हैं हाँ हाँ ठीक है। जाते जाते महादेव कहते हैं कि तुम्हारा ये गणेश अत्यंत हठी हो गया है। गौरी यहाँ पर फ्लैशबैक में याद दिलाती हैं महादेव को कि कैसे भ्राता कृष्ण ने कहा था ना कि आप नटखट की कोई भी शरारत होगी तो गुस्सा नहीं करेंगे, और आपने प्रॉमिस किया था। अब बाल गोपाल अब बचपन में गणेश शरारत नहीं करेगा तो भला कौन करेगा, इसलिए आप अपना मन छोटा मत कीजिए। महादेव दिखाते हैं कि जैसे वो अपसेट नहीं हो रहे, और वो वहाँ से चले जाती हैं और कहते हैं कि अच्छा तो ये छाल थी आपकी मेरे आराध्य, परंतु इसी प्रकार अगर आप एक के बाद एक लीलाएं दिखाते रहेंगे और ये नटखट बाल गणेश अपनी चंचलता दिखाता रहेगा तो मैं श्रावण मास की तैयारी कैसे करूँगा, वो भी अकेले। यही सब सोच सोच कर महादेव काफ़ी ज़्यादा अपसेट होंगे। उधर महादेव श्री कृष्ण के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि मुझे अपनी योजना के चक्कर में फंसाना बड़ा आनंद आ रहा है ना आपको इस सारे काम को करके। श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सोच लीजिए यदि पार्वती बहन को पता चल गया कि आप नन्हे से गणेश को उलझन कह रहे हैं तो सब क्या होगा आपका, फिर तो बड़ी उलझन में आप फंस जाएंगे। यहाँ पर गौरी माँ कहती हैं कि महाभोज की तैयारी मैं कर रही हूँ, पीछे से बाल गणेश आते हैं और मोदक उठाकर खाने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें रोक देती और कहती हैं कि रुको गणेश, अतिथि के आने से पहले भोजन झूठा करना अशुभ होता है, पहले अतिथियों को आने तो उसके बाद ही शुरू करना तुम भोजन। गणेश जी कहते हैं कि ठीक है माता, लेकिन आप ये तो बताइए कि अतिथि में कौन आ रहा है। गौरी माँ कहती हैं कि तुम यहीं रुको और गुफा में दोबारा मत जाना, मैं अभी आती हूँ। गणेश जी सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन है, कौन सा ऐसा विशेष अतिथि है जिसके लिए माँ महाभोज को छोड़ कर चली गई हैं मिलने, आखिर ये पूरा चक्कर क्या है। उधर गणेश जी कहते हैं कि हाँ हाँ मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा, आप निश्चिंत होकर के जाइए। जैसे ही माँ पार्वती श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि क्या बात है बहना, आपके मुख पर तो मातृत्व की तेज अलग ही झलक रहा है। बाल गणेश आपने जो मुझे पुनः एक्सपीरियंस करने के लिए दिए हैं इसकी का तेज है, ऐसा गौरी माँ अपने भाई कृष्ण को रिप्लाई देती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण से कहती हैं कि मैं आपको महाभोज के लिए आमंत्रित करने आई हूँ। कृष्ण उनका इन्विटेशन एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं अवश्य आऊँगा। यहाँ महादेव सबको बुलाते हैं, नंदी प्रेतगण, लेकिन कोई भी नहीं आ पाता क्योंकि वो माता गौरी के प्रबंधों में लगे होते हैं। महादेव गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम सब गौरी के कामों में व्यस्त हो, लेकिन अगर तुम लोग वहाँ व्यस्त रहोगे तो भला मेरी सहायता कौन करेगा। हाँ मैं काम करता हूँ, मैं देवताओं की सहायता लेता हूँ। जैसे वो देवताओं का आह्वान करते हैं, दिखाया जाता है कि गौरी ने देवताओं को पहले ही बुला लिया होता है, और यहाँ पर देवता भी महादेव की मदद करने के लिए नहीं आते। जैसे ही सारे देवताओं से बाल गणेश का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, यहाँ पर इंद्रदेव को देखकर बाल गणेश कहते हैं कि आप कैसे देवता हैं, आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। ये सुनकर यहाँ इंद्रदेव अपना वज्र दिखाते हैं और वो बाल गणेश उनसे छीन लेते हैं, जिसे देख कर गौरी माँ कहती हैं कि पुत्र गणेश, मैंने तुम्हें बड़ों का सम्मान करना सिखाया है और ये क्या, तुमने इंद्रदेव से उनका वज्र छीन लिया, चलो वापस करो। यहाँ पर बाल गणेश उन्हें वापस कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें दम नहीं है, क्या ये त्रिशूल से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ पर सबको वो यही कहते हैं कि मुझे एक ऐसा शस्त्र चाहिए जो त्रिशूल से भी अधिक शक्तिशाली हो। जैसे सुनकर महादेव पार्वती तो चिंता में आ जाते हैं और वहाँ श्री कृष्ण काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं गणेश जी की लीला देखकर। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल्स यहाँ पर को सब्सक्राइब जरूर करें।